नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में शुमार है। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद से ही उन्होंने टीम इंडिया के लिए कोई मैच नहीं खेला है। इस बीच धोनी ने संन्यास को लेकर भी काफी चर्चाएं शुरू हो गई थी। हालांकि धोनी ने अभी तक अपने संन्यास को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। अब बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या धोनी टीम इंडिया में वापसी करेंगे या फिर 2019 का वो मैच उनके करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच बन जाएगा। लाखों करोड़ों फैंस धोनी को क्रिकेटर के रूप में मैदान में देखना चाहते हैं। क्रिकेट फैंस ही नहीं बल्कि कई ऐसे क्रिकेटर हैं जो धोनी को अभी और ज्यादा क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज माइकल हसी ने कहा है उन्हें उम्मीद है महेंद्र सिंह धोनी अगले 10 साल तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल सकते हैं। हसी ने कहा, हमें उम्मीद है कि वो आने वाले 10 सालों तक चेन्नई के लिए खेलते रहेंगे। हमें नहीं पता ऐसा होगा या नहीं, लेकिन यही हमारी इच्छा है। महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल 2020 में क्रिकेट के मैदान पर वापसी करनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस टूर्नामेंट को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व ओपनर और वर्तमान में बल्लेबाजी कोच माइकल हसी के धोनी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने सीएसके के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग की भी जमकर तारीफ की। धोनी और फ्लेमिंग से डगआउट में अपने रिश्तों के बारे में हसी ने कहा, दोनों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं, दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, दोनों ही खेल के गंभीर चिंतक हैं, दोनों ने एक साथ काफ़ी अच्छा काम किया है। इस साल आईपीएल को लेकर तो अभी भी अनिश्चितताओं के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन उम्मीद तो यही है कि इस साल आईपीएल हो और एक बार फिर लोग धोनी का जलवा मैदान पर देख पाएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।